हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, और जहां पर हम लोग गेट एक्सेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन कर रहे थे। और यहां पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर दिया। तो आज का ये सेशन लास्ट सेशन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्शन की बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सिलेबस है, दिस इज सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। और अभी तक हम लोगों ने सारा लास्ट सेशन में मैंने ओरिएंटेशन भी कंप्लीट कर दिया। तो आज का जो सेशन बचा हुआ उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप बाय केमिकल टेस्ट, ये वाला टॉपिक करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय केमिकल टेस्ट करेंगे। टोटल जो टेस्ट है वो टेस्ट है 10 टेस्ट है। तो सबसे पहला टेस्ट हम लोग कर रहे हैं ल्यूकास टेस्ट से। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आएगा कि किसको डिटेक्शन करते हैं और कैसे करते हैं, बस उसी को समझना है। ल्यूकास टेस्ट सबसे पहले करते किसको हैं? तो ये करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल, खासकर एलिफेटिक अल्कोहल। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल को डिटेक्शन करने के लिए ल्यूकास टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर ये बेस्ट टेस्ट है, ये वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही सिंपल टेस्ट है। तो यहाँ पर करते क्या है, ये सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट तो यही हो गया अल्कोहल। रिएजेंट क्या होगा वो समझेंगे, तो रिएजेंट हो जाएगा यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये होता कैसे, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये समझ में आया, दूसरा पॉइंट ये समझना है, तीसरा यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकेटाइन का अगर फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट स्टेप में, तो आपको मालूम है कि कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसीलिए 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन जो 3 डिग्री अल्कोहल से बन रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल होने की वजह से ये टर्बिडिटी कॉज करेगा, टर्बिडिटी क्विकली कॉज करेगा। यहाँ भी टर्बिडिटी होगा, ये लेस स्टेबल है तो ये भी टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, लेकिन ये टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, इसको कुछ टाइम चाहिए होगा, इन 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट का टाइम लेगा। और यहाँ पर नो टर्बिडिटी फॉर्म्ड। तो क्यों टर्बिडिटी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होते हैं इसलिए रिएक्शन नहीं देंगे। तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर एनहाइड्रस ZnCl2 में देंगे तो सबसे पहले कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टर्सरी अल्कोहल है, क्विक टर्बिडिटी आ गई तो टर्सरी अल्कोहल, अगर 5 मिनट के अंदर में आया टर्बिडिटी सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर टर्बिडिटी नहीं बना तब इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा रिएक्शन को समझे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर CH3 और ये वाला हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इस पर जब ZnCl2 और वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में आएगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोकेटाइन CH3 ये कार्बोकेटाइन बनेंगे। यानी ये रिएक्शन ऑफ फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, आपको मालूम है कि कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो वो SN1 मैकेनिज्म से क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोकेटाइन, ये प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर कौन रिएक्ट करेगा, अब इसके साथ में आएगा HCl और HCl का Cl माइनस यहाँ पर आके अटैक करेगा, नेगेटिव है यार ये पॉजिटिव है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर Cl। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये टर्बिडिटी शो करेगा जैसे ही बना टर्बिडिटी। अब अगर आते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल होता CH3 CH3 H एंड OH, तो ये रिएक्शन तो होता ZnCl2, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, तो क्या बनता CH3 CH3 H और यहाँ पर Cl, ये रिप्लेसमेंट तो होता लेकिन यहाँ पर ये स्लो टर्बिडिटी दी। और उसके बाद प्राइमरी अगर अल्कोहल रहता, जैसे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ले लो CH3 CH2 एंड OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ZnCl2 और यहाँ पर HCl और यहाँ पर एनहाइड्रस, तो ये क्या रिएक्शन दिखाएगा CH3 CH2
सीएल, लेकिन ये बहुत स्लो, मतलब अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए यहाँ पर नो टर्बिडिटी। तो होप सो ये समझा। सेकेंड टेस्ट आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट भी किसके लिए होता है? सबस्ट्रेट किसको डिटेक्ट करता है? डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। सबस्ट्रेट तो ये हो गया, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबस्ट्रेट। अब आ रहे हैं सेकेंड में, कि सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये समझना है कि रिएजेंट क्या है। जैसे ऊपर वाले में जेड एन सी एल टू था, यहाँ पर है फास्फोरस के साथ में। पहला रिएजेंट है फास्फोरस प्लस आई टू, ये पहला रिएजेंट है, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा है AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, और तीसरा है HNO2। ये तीन रिएजेंट यूज होंगे, P प्लस आई टू, AgNO2 और HNO2। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, कि ये जो रिएक्शन होगा यहां पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और SN2 मैकेनिज्म को मालूम है आपको, कि ये भी डिस्कस किया हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी एमाइन देंगे, प्राइमरी अल्कोहल देगा, सबसे ज्यादा स्टेबल SN2 मैकेनिज्म या क्विक देंगे वो प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल और तब टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे बल्कियर ग्रुप जो होते हैं वो स्लो कर देते हैं SN2 मैकेनिज्म को, जिनमें बल्कियर ग्रुप नहीं होगा वो जल्दी देंगे। तो बल्कियर ग्रुप यहाँ पर नहीं है प्राइमरी अल्कोहल में, क्योंकि मिथाइल वहाँ पर एक ही है, टर्शियरी में तीन तीन है, इसलिए ये स्लो हो जाएगा। तो ये जस्ट उल्टा है, अपोजिट ऑफ लुकास टेस्ट। वहाँ पर टर्शियरी को सबसे पहले दे रहा था टेस्ट पॉजिटिव, यहाँ पर प्राइमरी सबसे पहले देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन को देखते हैं, मैकेनिज्म को। CH3, CH2 और OH, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसमें सबसे पहले आएगा P प्लस आई टू, और P प्लस आई टू आने के बाद में क्या होगा यहाँ पर? सपोज ये P प्लस आई टू, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा पूरा का पूरा, रिप्लेसमेंट, और यहाँ पर क्या आएगा? CH3, CH2 और यहाँ पर आई, मिथाइल आयोडाइड बन गया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में अब आएगा AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर क्या करेगा? इस आयोडाइड को हटाएगा, क्योंकि AgI बहुत ये रिएक्टिव हो, ये इसके साथ में चला जाएगा, और यहाँ पर बनेगा क्या? CH3, CH2 एंड NO2, ये बन गया। ठीक है, अब आ रहे हैं थर्ड स्टेप में, कि यहाँ पर अब थर्ड वाला रिएजेंट अटैक करेगा, विच इज HNO2। ठीक है, अब HNO2 क्या करेगा यहाँ पर देखिए, HNO2 को कैसे लिख सकते हैं? HNO2 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, कि यहाँ पर अगर ऐसे देखें HNO2 को, इसका स्ट्रक्चर, तो ये N डबल बॉन्ड O एंड OH, ये है HNO2। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH और ये H, और इसको अगर मैं दिखाऊं तो इसको क्या ऐसे दिखा सकता हूँ, एक एच यहाँ पर और दूसरा एच इस तरफ, ये एच, तो ये दोनों क्या होगा? वाटर फॉर्म कर देगा, और ये एन डबल बॉन्ड वाला डायरेक्टली इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा? CH3, CH यहाँ पर NO2, और इस तरफ में आएगा एन डबल बॉन्ड ओ, ये कॉम्प्लेक्स बना, और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना ये कलर देगा, और ये कलर देगा रेड कलर का, प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा इस रिएक्शन से? रेड कलर देगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे लिख सकते हैं? CH3, CH2 यहाँ पर OH एंड H, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे पहले P प्लस आई टू। अब मैं जल्दी बता रहा हूँ, CH इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ H एंड यहाँ पर I। अब उसके बाद में AgNO2, यहाँ तक तो रिएक्शन सही चलेगा, ये बनेगा CH, उसके बाद में NO2 और यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ जब अब रिएक्शन इसके साथ में होगा HNO2 के साथ में, तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए N डबल बॉन्ड O, OH, अब ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा इनके साथ में, तो ये वाला ये रिएक्शन क्या देगा? ये रिएक्शन इस तरीके से CH3, CH3, NO2 और यहाँ पर N डबल बॉन्ड ये, तो ये जो बना
ये कलर देगा ब्लू कलर। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये देगा ब्लू कलर। अब आ रहे हैं टर्सरी अल्कोहल जो कि सबसे स्लो चलेगा, तो यहाँ पर CH3CH3OH ये टर्सरी अल्कोहल है। और टर्सरी अल्कोहल अब यहाँ पर P+I ये वाला तो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ में ये क्या देगा CH3CH3CH3 और यहाँ पर I आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ये HgNO2 के साथ में रिएक्ट करेगा, यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा और अब ये I की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा NO2 से। लेकिन अब जब यहाँ पर HNO2 आएगा तो HNO2 को तो N डबल बॉन्ड O O H ये वाटर चाहिए, लेकिन वाटर के लिए यहाँ से वाटर निकालना है ये अल्फा कार्बन से, लेकिन यहाँ पर तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं, एक तरफ से वल्केर ग्रुप CH3 है, ये दूसरा CH3 है, ये तीसरा CH3 है, यानी आगे वाला रिएक्शन नहीं होगा। और रिएक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नो कलर या कलरलेस। कलरलेस किसकी वजह, टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर कलरलेस देगा। विक्टर मेयर में टर्सरी अल्कोहल कलरलेस होगा और ल्यूकास में प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देगी। ठीक है, चलो अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन, थर्ड टेस्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये टेस्ट डायरेक्टली पूछता है फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर क्या होता है C6H5OH और रिएजेंट क्या है FeCl3, जैसा नाम बता रहा है। तो ये वाला FeCl3 यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, ये Cl3 रिप्लेस हो जाएगा C6H5 इसके 6 मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाएगा और यहाँ पर 3- प्लस 3H+ प्लस 3HCl। तो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर बस ये वाला देखना है कि ये जो कलर फॉर्म किया ये कॉम्प्लेक्स यहाँ क्या आएगा, वायलेट कलर। तो जैसे ही आप फिनॉल के सॉल्यूशन में FeCl3 का सॉल्यूशन ऐड करते हो तो ये कलर क्या देगा, वायलेट कलर, इसका मतलब है वहाँ पर फिनॉल है। अब आ रहे हैं फोर्थ नंबर टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। सबसे पहले इसका तो फुल फॉर्म समझें, इसका फुल फॉर्म है 2,4-DiNitroPhenolHydrazine, ये है रिएजेंट और ये डिटेक्ट किसका करता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप किस में होते हैं, अल्डिहाइड में, और कहाँ होता है, और होता है कीटोन में। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, फेनॉल और फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ NO2, फिर NO2 वन, तो अगर 1, 2, 3, 4 तो ये 4 हो गया और इस जगह पर यहाँ पर 5 पोजीशन पर यहाँ पर होगा हाइड्रोजन NH2 ये, तो ये 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 2,4-DiNitroHydrazine। ओके, अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, ये रिएक्ट करेगा कीटोन या अल्डिहाइड के साथ में, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए कितना सिंपल है कि ये वाला जो O है H2O है, ये H2O और ये वाला ये वाटर बना देगा यहाँ पर, तो क्या ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, यानी ये वाला रिएक्शन कैसा होगा, NO2 यहाँ पर NH देन N और इसके साथ में, और यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स है 2,4-DiPhenylHydrazone। तो ये हम लोग इसको इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर 2,4-DiNitroPhenylHydrazone बन गया तो। इसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन टेस्ट। तो सबस्ट्रेट क्या है, किसको डिटेक्ट करते हैं, तो यहां पर ये डिटेक्ट करते हैं हम लोग फिर से एरोमेटिक या एलिफेटिक, अल्डिहाइड या कीटोन, या कीटोन, यानी यहां पर भी हम लोग किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या होता है टॉलिन टेस्ट में, रिएजेंट
AgNO3 प्लस H एक्वस एमोनिया, ये एक्वस है। तो ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, और ये किस फॉर्म में है, ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेन रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, जब AgNO3 और एमोनिया, एक्वस एमोनिया आपस में AgNH3 का सॉल्यूशन एमोनिकल सिल्वर का सॉल्यूशन फॉर्म करे, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट। तो अब जब ये रिएक्ट करेगा RCHO के साथ में इन दोनों का, तो ये क्या करेगा, इसको इन दोनों के रिएक्शन से इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी Ag बन जाएगा। उसके बाद में ये क्या बनेगा, RC OH- और दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, NH3 और H2O। तो देखिए यहां पर अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड ये कन्वर्ट कर गया किस में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो यहां तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां से यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये वाला Ag प्लस में है सॉल्यूशन फॉर्म में, और ये आ गया यहां पर Ag न्यूट्रल में, यानी यहां पर ये रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो रहा है, ये दूसरा रिड्यूस से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां पर अगर एमोनियम एमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन में, जहां पर सिल्वर घुला हुआ है, अगर जैसे ही आपने अल्डिहाइड डाला वो प्रेसिपिटेट कर गया, Ag रिड्यूस्ड हो गया, तो ये तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो जैसे ही ये प्रेसिपिटेट किया, ये डिटेक्शन हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। होप सो ये समझा। अब आ रहे टॉलेंट टेस्ट के बाद में नेक्स्ट वन, विच इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट ये किसके लिए करते हैं, फॉर एलिफेटिक अल्डिहाइड डिटेक्शन के लिए। मोस्टली यहाँ पर ग्लूकोज का डिटेक्शन हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं कि ब्लड में या यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस है कि नहीं, क्योंकि ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो रिएजेंट है यहाँ पर सबसे पहला कॉपर सल्फेट 5H2O, जिसका कलर होता है ब्लू कलर, और दूसरा यहाँ पर है वाटर, और तीसरा यहाँ पर है टार्ट्रेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका दूसरा नाम है रॉकेल सॉल्ट, ठीक है। ये कैसे बनता है, इसको देखिए, C OONA, ये होता क्या है, COONA, CHOH, CHOH एंड COOK, यही है रॉकेल सॉल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एक तरफ सोडियम लगा हुआ है, दूसरी तरफ पोटेशियम, ठीक है। तो अब ये सब आपस में तीनों मिलकर यहां पर एक कॉपर का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, दैट इज U2+, ये वाला फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग को यहां से लिखना क्या है कि यहां पर अल्डिहाइड का ग्रुप होगा, अल्डिहाइड RCHO, और ये पूरे से, ये तीनों से क्या यहां पर लिखना है सीधा, CU2+। ये कहां से आया, फेलिंग्स रिएजेंट से आया, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो यहां पर R ये जो है, ये क्या होगा, ये होगा RC OH-, ये ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ये रिड्यूस से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और ये वाला CU+ से किस में कन्वर्ट करेगा, CU2+ से प्लस में, तो ये तो रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, 2+ से प्लस 1 में हो गया। तो यहां पर क्यूप्रिक से कुप्रस हो गया, तो यहाँ पर ये जो हो गया कलर चेंज होगा, यहाँ पर फेलिंग रिएजेंट का कलर अब लिखता हूँ कि ये कलर जो होता है वो होता है ब्लू कलर का, ये हो गया अब रेड, तो रेड कलर अगर आ गया तो इसका मतलब है अल्डिहाइड वहाँ पर या शुगर प्रेजेंट है। होप सो ये समझा, ठीक है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन, विच इज 7th नंबर, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3C OH मिथाइल कीटोन के लिए, या फिर CH3COH और H और ये हो, ठीक है, तो ये भी दे सकता है।
तो इसका अल्टीमेट निकलना क्या चाहिए, इसका निकलना चाहिए ये वाला, कहीं से भी अगर ये वाला आए तो वो ये इजिली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एसीटोन में, और एसीटोन में ये रिएजेंट I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेसिक कंडीशन। तो जब I2 यहाँ पर आएगा NaOH के कंडीशन में तो ये क्या फॉर्म कर देगा, एट के बाद में अब आ रहे हैं नाइन्थ नंबर, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर जो रिएजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट कि ये जो RCOOH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और NaHCO3 के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, RCOONa, ये रिप्लेस हो जाएगा, Na यहाँ चला जाएगा और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये H इसके साथ में ये HCO3 के साथ में ये इसको ब्रेक करेगा CO2 में और H2O में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट H2O एंड CO2। तो यहाँ पर ये गैस का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस, इसका मतलब है बबल फॉर्मेशन। कार्बोनेटेड वाटर से या इनो डालने से वाटर में जैसा फॉर्मेशन करता है उसी तरीके से बबल का फॉर्मेशन होगा। नाइन्थ नंबर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। ये होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एमाइन ग्रुप को टेस्ट करने के लिए, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। चलिए तो इसको देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर एक रिएजेंट चाहिए, ये रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। स्ट्रक्चर देखें तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर और इसके साथ में S डबल बॉन्ड, सल्फर के साथ में S डबल बॉन्ड O दोनों तरफ और Cl, इसके साथ में कौन कंबाइन करेगा, NH2। तो जैसे प्राइमरी अमीन RNH2। देखिए यहां से होगा क्या, इसका एक H और इसके HCl के साथ में कंबाइन कर लेगा। जैसे इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका H और इसका Cl कंबाइन कर लेगा तो यहां पर क्या फॉर्म करेगा, यहां पर फॉर्म करेगा इस तरह से R, यहां पर NH एंड R, और ये क्या फॉर्म किया, HCl, ये जो प्रोडक्ट बना। अब यहां पर ये NaOH के प्रेजेंस में, यहां पर बेस के प्रेजेंस में अब ये क्या फॉर्म करेगा, क्योंकि ये H यहां पर प्रेजेंट है तो ये इजिली इंटरेक्ट कर लेगा NaOH के साथ में और ये वाला हाईली सॉल्युबल होगा। यानी ये प्रोडक्ट में यहाँ पर देखना है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मेक्स इट्स सॉल्युबल NaOH बेसिक सॉल्यूशन। तो ये समझना है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस में सॉल्युबल हो गया, ये क्या है, प्राइमरी एमाइन, ठीक है। अब आ रहे हैं यही सेम दूसरा रिएक्शन किसके साथ में, सेकेंडरी एमाइन के साथ में देख लेते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन को इधर लिख रहा हूँ HNR1 और R2, तो ये हो गया सेकेंडरी एमाइन। तो रिएक्शन तो होगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्म किया ये S डबल बॉन्ड और यहाँ पर NR1 R2, लेकिन अब यहाँ पर कहीं H नहीं है, ऊपर में जैसे H यहाँ था, यहाँ पर यहाँ H नहीं है, नो H इन एमाइन ग्रुप। तो ये जब NaOH सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो अगर इनसॉल्युबल NaOH सॉल्यूशन में है इसका मतलब है ये सेकेंडरी एमाइन है। होप सो ये समझो, ये इनसॉल्युबल होगा। अब आ रहे हैं थर्ड वन, थर्ड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाला तो डिटेक्शन समझ में आ गया
कि सॉल्युबल होगा, सेकंड वाला इनसॉल्युबल होगा, थर्ड क्या होगा देखते हैं। ये रिएजेंट हो गया। अब यहाँ पर एन आर वन आर टू एंड आर थ्री, ये टर्शरी एमाइन, तो ये रिएक्शन क्या होगा क्योंकि H को रिप्लेस करना है, तो H के साथ में तो यहाँ पर H चाहिए, तो ये Cl को रिप्लेस करना है, Cl तो यहाँ रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि H है ही नहीं, तो इसका मतलब है नो रिएक्शन। तो यहाँ नो रिएक्शन होगा तो इसका मतलब है ये टर्शरी एमाइन, एक में सॉल्युबल हो गया प्रोडक्ट बनने के बाद, एक में प्रोडक्ट बनने के बाद में इनसॉल्युबल हुआ, एक में रिएक्शन ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट ही नहीं बना, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये टर्शरी एमाइन होगा। होप सो ये समझा। लास्ट हम लोग आ रहे हैं डाई टेस्ट, टेंथ नंबर, दैट इज कॉल्ड डाई टेस्ट। तो डाई टेस्ट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एनिलीन, फिनॉल एंड नैप्थलीन। तो इसमें रिएजेंट क्या चाहिए, बेंजीन डाइजो क्लोराइड, यहाँ पर ये बेंजीन N2 प्लस Cl, ये सबसे पहले आते हैं फॉर फिनॉल डिटेक्शन। तो फिनॉल डिटेक्शन के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ये रिएजेंट लेते हैं हम लोग, सबसे पहले फिनॉल ले लेते हैं, OH इस तरफ और इस तरफ H, और यहाँ पर ये है ये रिएजेंट Cl N2। अब देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो नाइट्रोजन तो मैक्सिमम तीन ही बना सकता, अगर चार बना रहा तो इसके ऊपर पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये माइनस, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पर इसी को हम लोग बोल रहे हैं, ये इसी का दूसरा कॉमन नेम क्या है, एजोडाई। यहाँ पर ये एच और ये सी एल निकल जाएगा एच सी एल के फॉर्म में, और ये वाला पूरा का पूरा अटैचमेंट हो जाएगा। तो जब अटैचमेंट होगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरफ में फिनॉल, उसका ओ एच, यहाँ पर सी एल और एच चला गया, तो अब एन डबल बॉन्ड एन इस तरीके से, यहाँ पर प्लस चार्ज या पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो ये कलर किस तरह का होगा, ये कलर होगा ऑरेंज कलर का। तो अगर ऑरेंज कलर आया तो इसका मतलब है ये फिनॉल है, ये तो पहला था। अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड फॉर डिटेक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन को देख लेते हैं जल्दी से। सपोज ये एनिलीन है, इसका H इस तरफ और ये वाला एनिलीन NH2, ये हो गया एनिलीन। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एजोडाई के साथ में, Cl N ट्रिपल बॉन्ड N और ये वाला बेंजीन रिंग, प्लस और माइनस चार्ज, ये है एजोडाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है H और Cl रिलीज हो गया। अब ये वाला पूरा का पूरा एनिलीन का बाकी बचा हुआ ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर NH2, और इस तरफ में आएगा N और यहाँ पर डबल बॉन्ड N, ये तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग बोलेंगे पारा एमाइनो एजो बेंजीन। तो ये जो कलर है ये कलर देगा, तो अगर येलो कलर आ रहा है तो इसका मतलब है वो है एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एजोडाई, ठीक है। अब आ रहे हैं लास्ट वन, थर्ड वन, डिटेक्शन ऑफ नैप्थलीन या नैप्थोल, यानी एरोमेटिक, यहाँ पर हम लोग ग्रुप को डिटेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है स्ट्रक्चर OH एंड यहाँ पर H, ये है नैप्थोल, बीटा नैप्थोल। तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। अब ये किसके साथ में, ये एजोडाई के साथ में करेगा रिएक्ट, Cl N डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में बेंजीन रिंग, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और अब क्या होगा, ये Cl, फिर यहाँ से HCl बनेगा, ये और ये कंबाइन करके क्या फॉर्म कर दिया, HCl, और उसके बाद में बाकी का फंक्शन ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर OH, ये H के साथ में बाकी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, N डबल बॉन्ड N,
बेंजीन। तो ये बना फेनाइल एजो टू नेप्थोल, ये बना, और इसका कलर क्या आएगा? रेड कलर। तो अगर बीटा नेप्थोल है या नेप्थलिन रिंग है, ये फॉर्म करेगा रेड कलर। बस इसी के साथ में 10 टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज का सेशन है बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।